गोपाल हालन, स्वागत करती हूं आपका सी लॉर्ड न्यूज में। जानते हैं क्या है आज की ताजा खबरें। अखिलेश का योगी पर पलटवार, कहा गठबंधन की सरकार बनी तो गर्मी नहीं भर्ती निकालेंगे। योगी के गर्मी वाले बयान पर अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो गर्मी नहीं भर्ती निकालेंगे, रोजगार देंगे। सरकार कह रही है इस बार का बजट अमृत बजट है, पहले क्या विश वाला बजट आता था। उन्होंने कहा पता नहीं सीएम की भाषा क्यों बदली है, हमारे सीएम है कोई कंप्रेसर थोड़ी ना है। गठबंधन की सरकार बनेगी तो गर्मी नहीं भर्ती निकालेंगे, रोजगार देंगे। फेक न्यूज के मामले में केंद्र सरकार की गूगल, फेसबुक और ट्विटर के साथ हुई तीखी बहस। फेक न्यूज के मामले में केंद्र सरकार की गूगल, फेसबुक और ट्विटर के साथ तीखी बहस हुई, जिसमें सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी रॉयटर्स को पता चला है कि अपने प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरों को रोकने को लेकर गूगल, ट्विटर व फेसबुक और केंद्र सरकार के बीच तीखी बहस हुई है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने कंपनियों की कड़ी आलोचना की और कहा कि फर्जी खबरों पर कार्रवाई करने के प्रति उनकी निष्क्रियता भारत सरकार को सामग्री हटवाने का आदेश देने के लिए मजबूर कर रही थी, जिसके चलते सरकार को अंतर्राष्ट्रीय आलोचना झेलनी पड़ी कि वह अभिव्यक्ति की आजादी को दबा रही है। रणजी ट्रॉफी का पहला चरण 10 फरवरी से होगा शुरू। भारतीय क्रिकेट के सबसे महत्वपूर्ण रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट की शुरुआत 10 फरवरी से होगी। कोरोना की वजह से पिछले सीजन को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद इस साल होने वाले टूर्नामेंट का स्केड्यूल सामने आ गया है। इसके हिसाब से यह टूर्नामेंट 10 फरवरी से शुरू होगा। पहले इस टूर्नामेंट की शुरुआत 13 जनवरी से होनी थी। रणजी ट्रॉफी का पहला चरण 10 फरवरी से 15 मार्च तक खेला जाएगा, जबकि इंडियन प्रीमियर लीग के बाद का चरण 30 मई से 26 जुलाई तक होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह ने राज्य इकाइयों को गुरुवार को यह जानकारी दी। यूपी में घटते कोरोना मामलों को देखते हुए सोमवार से खुल सकते हैं कॉलेज स्कूल। जनवरी में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया था। प्रदेश में जनवरी के पहले सप्ताह से स्कूल कॉलेज बंद हैं और केवल ऑनलाइन क्लासेस आयोजित करने की अनुमति है। शनिवार 5 फरवरी को एक बार कोरोना समीक्षा की बैठक आयोजित की जा सकती है, जिसमें स्कूल को खोलने पर फैसला लिया जाएगा। प्रशासन ने अभी 6 फरवरी तक के लिए स्कूल कॉलेज बंद रखे हैं। इससे पहले 3 बार स्कूल बंदी की अवधि बढ़ाई जा चुकी है। इस शनिवार को संभावित समीक्षा बैठक में ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने पर निर्णय लिया जा सकता है। सौरव गांगुली ने आईपीएल के लीग राउंड मुकाबलों के लिए वेन्यू का किया खुलासा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन के लिए होस्ट शहरों के नाम का खुलासा कर दिया है। सौरव गांगुली ने कहा कि मुंबई और पुणे में आईपीएल के लीग राउंड के मुकाबले खेले जाने की उम्मीद है। गांगुली के मुताबिक प्लेऑफ और फाइनल का वेन्यू बाद में डिसाइड किया जाएगा। धन्यवाद।